ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप्स ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, आई एम गीता फ्रॉम पूरण मूर्ति ग्लोबल स्कूल, कामी रोड, सोनीपत. आज हम स्टूडेंट्स आपका ग्रेड टू का मैथ्स का चैप्टर एट करेंगे. ग्रेड टू का मैथ्स का चैप्टर हम करेंगे एट. ज्योमेट्री है जो आपका स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन के बारे में हम आज पढ़ेंगे. जो स्ट्रेट लाइन होती है और कर्व लाइन होती है, स्ट्रेट जो बिल्कुल सीधी, कर्व जो थोड़ी मोड़ी हुई होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. इन लाइनों के बारे में आपने पीपीज क्लास में जरूर पढ़ा होगा. टू गर्ल्स वर होल्डिंग अ स्किपिंग रोप एट ईच हैंड, दे स्ट्रेच्ड एट टाइट. देखो, इन दो लड़कियों ने एक रोप को पकड़ा हुआ है, रस्सी को पकड़ा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट. ये आपकी क्या है? स्ट्रेट लाइन है. द स्किपिंग रोप फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. नाउ दे होल्ड द रोप अ बाइट लूज. अब इन्होंने इसको लूज, उसको बिल्कुल टाइट पकड़ा हुआ था, वो स्ट्रेट लाइन थी. अब इसको बिल्कुल लूज पकड़ा हुआ है, देखो ये लूज है बिल्कुल. तो आपकी कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड. द स्किपिंग रोप फॉर्म अ कर्व्ड लाइन. अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज The arrow at both of the ends show that a line does not stop, it continue without ending. A straight line can be drawn with the help of ruler. Ruler आपको पता ही क्या होता, स्केल होता है जो आपका. Place a ruler on the your notebook and draw along the edge of the ruler and line. You can get a straight line. देखो, ruler की help से, आप scale की help से बिल्कुल straight line आप यहाँ पे अपनी notebook पे लगा सकते हो. स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ हॉरिजेंटल वर्टिकल स्लांटिंग. जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो सीधी लाइन होती है, उसे हम स्लांट लाइन भी बोलते हैं, उसे हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं और हॉरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं. यहाँ पे देखते हैं, लेइंग डाउन लाइन्स आर कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन. जो ऐसे लेइंग डाउन लेटी लाइन होती है, जिन्हें हम स्लीपिंग लाइन बोलते थे. जो आप लोग पीपीज क्लास में थे, टीचर आपको सिखाते थे, बेटा ड्रो अ स्लीपिंग लाइन, ड्रो अ स्टैंडिंग लाइन, ड्रो अ स्ट्रेट लाइन, स्लांट लाइन. तो आपकी ये सब क्या थी? वैसे तो ये स्ट्रेट लाइनें हैं सारी, लेकिन इनको कुछ नाम दे दिए गए हैं. जैसे ये बिल्कुल ऐसे लेटी लाइन, स्लीपिंग लाइन बोलते हैं. ये है हॉरिजेंटल लाइन. कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन. नेक्स्ट है आपकी स्टैंडिंग अप वर्टिकल लाइन. स्टैंडिंग लाइन जो बिल्कुल सीधी खड़ी, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन्स. नेक्स्ट है, देयर आर ऑल्सो स्ट्रेट लाइन दैट आर स्लांटिंग लाइन. ये स्ट्रेट है वैसे तो, सीधी है, देखो कहीं से मुड़ी तो नहीं हुई, लेकिन इसे हम बोलेंगे स्लांट लाइन, तिरछी लाइन जो होती है, स्लांट लाइन. मैच द फॉलोइंग. अब देखो, जो आपकी ये वाली लाइन है, ये कौन सी है? हॉरिजेंटल लाइन, हमने इसके साथ मैच कर दिया. ये आपकी कौन सी है? स्लांट लाइन है. ये आपकी कर्व्ड लाइन है. ये आपकी कौन सी लाइन है? वर्टिकल. जो आपकी स्टैंडिंग लाइन है, उसे हम वर्टिकल लाइन बोल देंगे हम. जो आपकी स्टैंडिंग लाइन है, वो किसमें चेंज हो गई है? वर्टिकल लाइन में. और जो आपकी स्लीपिंग लाइन है, वो हॉरिजेंटल लाइन होगी. और कर्व लाइन तो आपकी है यही, और आपकी ये स्लांट लाइन है, तिरछी लाइन है. एक्टिविटी, काउंट द नंबर ऑफ हॉरिजेंटल वर्टिकल स्लांटिंग लाइन इन द पिक्चर गिवन ब्लो एंड राइट द नंबर इन द इज गिवन ब्लैंक ब्लो. अभी पिक्चर बनी, उसमें ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है. अब हमें के लाइन काउंट करनी है. सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन. हॉरिजेंटल कौन सी होती है? स्लीपिंग लाइन. देखो, हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 7. नेक्स्ट है आपकी वर्टिकल लाइन. वर्टिकल कौन सी होती है? आपकी स्टैंडिंग लाइन. देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आपके 8 हो गए. अब आपकी ये स्लांटिंग लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके कितने हैं? ये 8, सॉरी ये आपके हैं 10. देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आपका जो स्टार बना हुआ है, कितनी स्लांटिंग लाइन से बना हुआ है? 10 स्लांटिंग लाइन से. तो जो आपकी ऐसे लेटी हुई स्लीपिंग लाइन होती है, वो आपको आपकी होती है हॉरिजेंटल लाइन. जो आपकी सीधी खड़ी लाइन होती है, वो आपकी वर्टिकल लाइन. और कर्व लाइन तो आपको पता है, जैसे गोल गोल घूमी होती है. और स्लांटिंग लाइन जो आपकी तिरछी लाइन होती है. Faces and edges and vertical of object. The surface of an object is called a face. जो कोई भी चीज होती है, उसका कोई ना कोई फेस होता है ना.
टू फेस मीट एंड एज्ड, टू फेस मिलके एक एज्ड बनाते जो कोना होता है, एंड थ्री एज मीट अ वर्टेक्स, और थ्री मिलके क्या बनाते हैं, एक वर्टेक्स बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो ये किसकी पिक्चर है, क्यूबॉइड की है, किसकी, क्यूबॉइड की। ये इसके वर्टेक्स है, ये इसके फेस है, ये आपको फेस दिखाई दे रहे हैं, ये इसके एज्ड है जो नीचे से होता है, ये आप इसका एज्ड है। अब क्यूबॉइड है सिक्स फेस, क्यूबॉइड के सिक्स फेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड नीचे 6, और इसके 12 एज्ड होते हैं। इसके कितने, 12 एज्ड होते हैं, और इसके 8 वर्टेक्स वर्टिसेस होते हैं, कितने होते हैं, 8 वर्टिसेस। अब आपका नेक्स्ट है क्यूब, ये आपका क्यूबॉइड था, ये आपका क्यूब है, क्यूब है 6 इक्वल फेस, क्यूब होता है स्क्वायर की तरह, और आपका क्यूबॉइड होता है रेक्टेंगल की तरह, क्यूबॉइड किसकी तरह होता है, रेक्टेंगल की तरह, और ये दिखते सेम है लेकिन के साइज का डिफरेंस होता है, क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल की तरह होता है, और क्यूब जो होता है आपका वो स्क्वायर की तरह होता है, उसकी सारी इक्वल होती है, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। अ क्यूब है 6 फेस एंड 12 एज्ड एंड 8 वर्टिसेस। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर, अ सिलेंडर हैज 3 फेस, देखो 1, 2 एंड 3। अब इसके 3 क्या होते हैं, फेस होते हैं, 2 प्लेन एंड 1 कर्व्ड लाइन, 2 प्लेन और 1 कर्व्ड लाइन, 2 एज एंड नो वर्टेक्स, इसका कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। नेक्स्ट है कर्व्ड फेस, अ स्फीयर हैज ओनली 1 फेस विच इज कर्व्ड, ये तो बिल्कुल कर्व्ड होता है, ऐसे सर्कल की तरह गोल ही होता है, ये आपका है कोन। अ कोन हैज 2 फेस, 1 प्लेन एंड 1 कर्व्ड, ये प्लेन है इसका और ये कर्व्ड है, यहां से ये इसका एज्ड है जहां से स्टार्ट है, ये इसका कर्व्ड फेस है, ये इसका एज्ड है, और ये इसका प्लेन फेस है। अ कोन हैज 2 फेस, 1 प्लेन एंड 1 कर्व्ड एंड 1 वर्टेक्स एंड 1 एज्ड। अब नेक्स्ट है आपका मैच द ऑब्जेक्ट विद हैविंग सिमिलर शेप्स, अब ये कौन सी शेप में है, ये किसकी तरह दिख रही है, ग्लास पे हमने मैच कर दिया, इसकी तरह दिख रही है। अब ये आपका तो किसकी तरह दिख रहा है, क्यूबॉइड की तरह, हमने इसको इरेजर के साथ मैच कर दिया। ये स्फीयर की तरह दिख रहा है तो हमने इसको बॉल के साथ मैच कर दिया। ये कोन की तरह दिख रहा है, हमने इसके आइसक्रीम कोन के साथ मैच कर दिया। ये आपका क्या है, क्यूब की तरह दिख रहा है तो हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया। नेक्स्ट आपका मैच द ऑब्जेक्ट विद द शेप, शेप के साथ ऑब्जेक्ट को मैच करना है। सी यू बी क्यूब, क्यूब ये वाला है आपका, ये वाली शेप है, ठीक है। अब है आपका स्पेयर, गोल है तो आपका ये क्या है, स्पेयर। अब आपका ये सिलेंडर शेप में है, देखो है ना सिलेंडर शेप में, ये भी सिलेंडर की शेप में है। अब है आपका क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल की तरह होता है, ये वाली शेप और ये वाली। कोन आपका, कोन यही है, देखो ये कोन ही शेप है, साफ दिख रहा है बिल्कुल। ये आपकी जो कैरेट है वो भी कोन शेप में है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लेन शेप्स के बारे में, वो आपकी सॉलिड शेप्स या प्लेन शेप्स, जिनके बारे में आप पीपीएस क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। लुक एट द शेप्स गिवन हियर, दीज आर कॉल्ड प्लेन शेप्स। स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड्स होती है 4 साइड होती है, 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। आगे है सर्कल्स, सर्कल की 9 साइड्स 9 कॉर्नर, रेक्टेंगल की 2 साइड्स एंड 2 कॉर्नर, इसके आमने सामने के फेसेस क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, देखो ये और ये इक्वल और ये और ये इक्वल। ओवल, 9 साइड्स 9 कॉर्नर, ट्रायंगल ये देखो 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर होते हैं ट्रायंगल के। अब हम इनके पढ़ेंगे, दिस इज अ स्क्वायर, इट हैज 4 साइड्स, इसकी 4 साइड्स होती है, ऑल इट्स साइड आर इक्वल। स्क्वायर की क्या होते हैं, स्क्वायर की क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं और इसकी 4 की 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। दिस इज ड्रॉ विद स्ट्रेट लाइन, और ये कौन सी लाइन से ड्रॉ है, स्ट्रेट लाइन से। दिस इज अ सर्कल, इट हैज 9 स्ट्रेट साइड्स, इट इज अ फिगर ड्रॉ विद कर्व्ड लाइन। सर्कल बिल्कुल गोल है, कर्व्ड लाइन के द्वारा, इसका ना कोई वो है साइड है ना इसका कोई कॉर्नर है। नेक्स्ट आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स, देखो 1, 2, 3, 4 साइड्स है ना, इट हैज 4 साइड, इट्स अपोजिट साइड्स ओनली आर इक्वल। जो अपोजिट साइड है एक दूसरे के आमने सामने, अपोजिट एक दूसरे, वो क्या है, इक्वल। दिस इज ड्रॉ विद स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ही बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका ओवल, दिस इज एन ओवल, एन क्यू लगा है क्योंकि ओ क्या है आपका, वोवल है, इसलिए एन ओवल, इट हैज नो स्ट्रेट साइड्स, एन ओवल इज फिगर ड्रॉ विद कर्व लाइन, ये भी कर्व लाइन से ही बना है आपका ओवल। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल,
It has three sides, 1, 2, and 3. It is a figure draw with straight line. स्ट्रेट लाइन से ही बना हुआ है. इट साइड्स में और में नॉट बी इक्वल. इसकी साइड्स इक्वल भी होती हैं और नहीं भी होती. ये आपका ट्रायंगल, ये आपकी प्लेन शेप थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल, सर्कल, ये और ये क्या थी आपकी प्लेन शेप्स. ये अब आपकी है सॉलिड शेप, जिसके बारे में ऊपर भी पढ़ा था. लुक एट द शेप गिवन हियर, दीज आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स. फर्स्ट है क्यूब. क्यूब किसकी तरह होता है? स्क्वायर की तरह होता है. किसकी तरह होता है? स्क्वायर की तरह. ये है आपका स्पेयर, जो सर्कल की तरह होता है. ये क्यूबॉइड, रेक्टेंगल की तरह होता है. ये कोन है आपका. और ये आपका सिलेंडर, जो सिलेंडर की शेप में होता है. अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे. देखो, दिस इज अ क्यूब, ये क्यूब है. इट हैज ऑल सिक्स फ्लैट शेप. इसके सिक्स फ्लैट फेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इट हैज सिक्स इक्वल फेसेस, सभी फेस इक्वल है. इट हैज 12 एज्ड. इट हैज 8 कॉर्नर. इसके कितने कॉर्नर हैं? कॉर्नर तो 8, और इसके एज्ड कितने हैं? 12 है. एज्ड कितने हैं इसके? 12 है. नेक्स्ट है आपका स्पेयर. क्या है आपका स्पेयर? तो आपका स्पेयर है, उसके भी क्या है? फ्लैट उसके भी क्या है? इट हैज नो फ्लैट शेप्स. जैसे सर्कल होता है आपका, सर्कल होता है आपका, उसका भी क्या होता है? कोई भी उसका क्या होता है? वो सर्कल शेप में होता है, कर्व लाइन में होता है, तो उसकी कोई भी क्या होती है? फेस नहीं होता. ऐसे ही स्पेयर का भी कोई फेस नहीं होता. इट हैज ओनली अ कर्व फेस. इट हैज नो कॉर्नर. इसका कोई कॉर्नर भी नहीं होता. दिस इज अ सिलेंडर. इट हैज टू फ्लैट शेप फेसेस. इट हैज वन कर्व फेस. इट हैज नो कॉर्नर. इसका भी कोई कॉर्नर नहीं होता और इसके टू फ्लैट फेस है. दिस इज अ क्यूबॉइड. इट हैज ऑल सिक्स फ्लैट फेसेस. इट हैज अ फोर रेक्टेंगल रेक्टेंगल फेसेस एंड टू स्क्वायर फेसेस. देखो, स्क्वायर तो ये वाले फेस होते हैं, ये वाला और इधर वाला, और ये बाकी क्या है आप इसके? रेक्टेंगल की तरह फेसेस होते हैं. अब ये है कोन. दिस इज अ कोन. इट हैज वन फ्लैट फेस एंड वन कर्व फेस. इट हैज वन कॉर्नर. इसका क्या होता है? एक ही कॉर्नर होता है. और क्यूबॉइड के 12 एड्स होते हैं, जो उसकी धार होती है. इसके 8 क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था आपका ज्योमेट्री का चैप्टर था, जिसमें हमने लाइनों के बारे में सीखा. स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, स्लांट लाइन, ये सारी लाइनों के बारे में हमने सीखा. और शेप्स के बारे में हमने पढ़ा. एक तो हमारी कौन सी शेप थी? प्लेन शेप थी. और एक आपकी थी सॉलिड शेप्स. प्लेन शेप्स आपकी होती हैं ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल. ये आपकी थी प्लेन शेप्स. कौन कौन सी? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल आपकी प्लेन शेप थी. और सॉलिड शेप थी आपकी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर. वो आपकी थी सॉलिड शेप्स. होप सो आपको ये समझ में आएगा. बहुत ही इजी है. लाइनों के बारे में है, कर्व लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, कि कैसे हम इन लाइनों की हेल्प से क्या बना लेते हैं, हम अपने शेप्स बनाते हैं. और कौन कौन सी शेप्स बनाते हैं? सॉलिड शेप्स और प्लेन शेप्स. ये उनके बारे में था. होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी. ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हो. आप जो भी आपकी प्रॉब्लम आप मेरे से शेयर कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे.